हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ एल्कोहल्स। आपको बताएं हमारे चैनल की एक खास बात, वो क्या है? ट्रस्ट, ऑनेस्टी और नए नए नगीने। अब एक नया नगीना, बेतहाशा नया नगीना लेकर आए हैं। इसके पीछे कंपनी के बहुत बड़े बड़े दावे हैं, तो एक एक करके परत खुलेगी, सच्चाई बाहर आएगी। उसके लिए पहले हम जानेंगे इस प्लेयर के बारे में। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज ग्रैंड लेबल रिजर्व कलेक्शन विस्की। ये आती है पंजाब से सराव डिस्लरी से। ये सराव डिस्लरी वही सराव डिस्लरी है जो अपनी रशियन नाइट जिन्होंने बिल्कुल अभी हमने रिव्यू की थी जिनकी, वो प्रोडक्ट अच्छा था। ये कंपनी एक और क्लेम करती है, हम आपको अल्ट्रा प्रीमियम विस्की दे रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अल्ट्रा प्रीमियम नहीं, अल्ट्रा प्रीमियम, यानी कि ऑब्वियसली स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा प्राइस। और अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो पंजाब में है, दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है, और कहीं ना कहीं ये विस्की ऐसा इनकी वेबसाइट पे क्लेम्ड है कि एक्सपोर्ट भी होती है। ठीक है, एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जब थोड़ी सी रिसर्च करी मैंने प्रोडक्ट के बारे में और मैंने पढ़ा कि इसका जो ब्लेंड है वो कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग है। सबसे अच्छी बात यह है, जो एक मेरे को सबसे बड़ा पॉजिटिव लगता है, हालांकि ये बड़ा पॉजिटिव इसलिए बन चुका है क्योंकि लोग मार्केट में गलती कर रहे हैं, एटलीस्ट इन्होंने उसको अपनी यूएसपी बनाया है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसका जो ब्लेंड है वो है आपका स्कॉच माल्ट्स एंड इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स का। ब्लेंड तो प्रॉमिसिंग है, हाइप भी है, तो वाइन शॉप वाले ने, भैया ने भी हमें कहा कि ये प्रोडक्ट नया है, आप इसको ट्राई करो। कंसिडरिंग कि उन्होंने बोला सेल्स भी ठीक है और अभी तक जो रिस्पॉन्स आया वो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं हम भी अट्रैक्ट हो गए कि चलो आइए देखते मजा आएगा, इस नए प्रोडक्ट को लेते हैं, नए प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, सबसे पहले हम चलते हैं बॉटल ओवरव्यू पे। बिल्कुल, देर लगाते नहीं आज। ना ना, बॉटल ओवरव्यू की अगर हम बात करें, नाम जो है ग्रैंड लेबल, वो इजी है याद करना। बिल्कुल, ग्रैंड लेबल कोई भी सुनेगा, कोई भी देखेगा, याद हो जाएगा। और अगर बॉटल की लुक की बात करूं, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, बड़े टाइम बाद मुझे एक ब्राउन बॉटल दिखी है, एक नए ब्रांड जो लॉन्च हुआ उसमें जनरली या ट्रांसपेरेंट होती है या ग्रीन कलर होता है, ये ब्राउन देख के बहुत अच्छा लगा। ये बॉटल की एक और खास बात है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, पीछे से फ्लैट है, इट्स इजी टू होल्ड। लेबल्स की बात करूं तो मैट फिनिश में है, टेक्सचर्ड है, लेबल क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये बॉटल एक सिंगल मॉल्ट विस्की की भी मुझे याद दिलाती है, उसका हम रिव्यू कर चुके हैं। उस सिंगल मॉल्ट का मैं हिंट दे देता हूं, हाँ, एस से शुरू होता है, वो रिव्यू हम कर चुके हैं, वो आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो मजेदार बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये अपने सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर की बॉटल दिखने में तो लग रही है ब्लेंड, क्योंकि इन्होंने बार बार प्रॉमिस किया अल्ट्रा स्मूथ टेस्ट, तो हमारा फोकस इसी पे रहने वाला है सबसे पहले कि ये अल्ट्रा स्मूथ है या ये नहीं है। प्राइस है इसका 830 रुपीज इन डेली, 750 ml की बॉटल है, देखने में जरूर बड़ी लग रही है बिकॉज इट इज अ स्लिम बॉटल, 1 लीटर वाली लुक दे रही है। लेकिन हाँ, अगर बात करें प्राइस की तो वही अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट वाले रेंज में है, तो अलग अलग स्टेट में प्राइजेस डिफरेंट हो सकते हैं फॉर श्योर। अवेलेबिलिटी नॉर्मल हर साइज में अवेलेबल है, ये एक टैग भी आता है इसके साथ और यहाँ पे एक स्कैन करने की ऑप्शन है जिससे आप ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। स्टॉपर इसमें आता ही है, ये साइड पे रख दो, करें पोर, देखिए कितना इजी है इसको हैंडल करना जो मैं बात कर रहा हूँ। हैंडलिंग तो इजी है, स्लिम है ना बहुत। ये बना दो, बड़ा या छोटा? बड़ा है यार, बिल्कुल ग्रैंड, ग्रैंड, वाह वाह। चलो अब पहले इसकी नोजिंग पर चलते हैं, ये मैं साइड पे इसी के साथ रख देता हूँ। नोजिंग की अगर मैं बात करूं, जो इनिशियल इम्प्रेशन है मेरा, एक तो सबसे पहली बात, नोज पे बहुत मेलोड है, एक अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर दिखा रही है विस्की नोज पे एज ऑफ नाउ। फ्लेवर्स की अगर मैं बात करूं तो एक हल्की सी स्मोकीनेस एविडेंट है, थोड़ी फ्रूटी लग रही है और थोड़ा सा वेनिला का जो एसेंस होता है वो मुझे नोज पे कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और या आई थिंक दैट इज इट, सबसे जो डोमिनेंट दो फ्लेवर्स होंगे मेरे लिए वो होंगे फ्रूटीनेस और स्मोकीनेस नोज पे। अब चलते हैं कलर और टेस्टिंग के लिए फादर साहब के पास, फादर साहब का क्या कहना है इसके बारे में वो देख लेते हैं। कलर की बात करें तो कलर तो डार्क गोल्ड है, बिल्कुल। बॉडी तो मीडियम लग रही है, तो माउथ लिंगरिंग हो सकती है, लेग्स जो है स्लोली आ रही नीचे। पहले टेस्ट के लिए चले देखते हैं। पहले क्वेश्चन ही पूछ लूं मैं,
क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है और हमारी ऑडियंस की तरफ जब बात जा ही रही है, तो हम जब मीडिएटर है तो क्यों ना सही चीज पहुंचाई जाए, तभी वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना। ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि अल्ट्रा स्मूथ टेस्ट यानी स्मूथ है या नहीं, मेरा पहला सवाल ये होगा। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि विस्की बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है बिल्कुल, तो ये अपने वादे पे खड़े होते बिल्कुल। बाकी मैं और टेस्ट है एक बारी और लेकर करूँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ग्रैंड पैक डलवाया भाई साहब ने आज, ग्रैंड लेवल का। हल्की स्मोकीनेस फील हो रही है मेरे को, ठीक है, थोड़ी फ्रूटी भी है, ओके, जो मेरे को हाईलैंड विस्की की याद दिला रही है। हाँ, उसी नेचर की होगी, उसी कैटेगरी की होगी भाई, इसीलिए मैं स्मोकीनेस है, फ्रूटी है, फ्रूटी भी लग रही है, तो हाईलैंड विस्की की याद दिलाती है। ठीक है, स्टार्ट तो अच्छा लिया विस्की ने बिल्कुल। मेरे को इसमें स्वीटनेस फील हो रही है, स्वीटनेस फील हो रही है, डार्क चॉकलेट की, नाइस, ओके, और वनीला का फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है, वनीला एसेंस भी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं नोज पे भी मैच हो रहा था, नोज पे मुझे कुछ इसी टाइप का ऑलमोस्ट सेम ही थे मेरे ख्याल। हाँ, नहीं कुछ तो डिफरेंस आए, लेकिन जो मेन चीज है एक्सपेक्टेशन से तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इतने सारे फ्लेवर्स बता दिए हैं, तो क्या ये विस्की ऑन द रॉक्स पीने लायक होगी, मजेदार होगी? बिल्कुल होगी, और थोड़ी माउथ लिंगरिंग भी है, ये माउथ लिंगरिंग भी है, और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप नीट पे स्मूथ कह रहे हो इस सेगमेंट की विस्की को, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे स्वाद। अब अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की और रेटिंग की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कॉम्प्लेक्स भी है ये, कॉम्प्लेक्स तो है, फ्लेवर्स आ रहे हैं बिल्कुल, तो विस्की तो कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल, ये भी ठीक है, और मैं इसको रेटिंग दूंगा 8.7 8.7 बिल्कुल। इतनी बढ़िया लगी आपको ये बिल्कुल, तो क्या ये अपने सेगमेंट में या मार्केट में दम रखती है? बिल्कुल हलचल करेगी, बिल्कुल आएगी, टेस्ट ही इतना अच्छा है। चलो, मतलब अपनी फैमिली के लिए हाईली रिकमेंडेड है भाई, वो इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स तो है नहीं ना, तो ओरिजिनल फ्लेवर्स मिल रहे हैं ना मेरे को, तो अच्छी तो अपने आप है, बात तो सही है। तो फिर सबसे पहले हरप्रीत जी को थैंक यू, जिन्होंने हमें रिकमेंड किया, जिन्होंने हमें रिकमेंड किया, वाइन शॉप वाले को भी थैंक यू, हाँ उनको भी, उसने भी कहा था कि नया प्लेयर है आप ट्राई करो। थैंक्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये चैनल कैसा लगता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब चाहे मन करे हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े और बात करें, हम आपके क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड करेंगे बिल्कुल। एंड रिमेंबर, ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है। टिल देन, चीयर्स।